तो दोस्तों, ये जो फ़ोन मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये है Realme 7 और इसमें आपको सोनी का लेटेस्ट कैमरा मिलता है जो कि है IMX682। तो क्या ये सैमसंग के जो GWM जो कि यूज़ हो रहा है काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में, लाइक Redmi Note 9 Pro Max में है, Realme X2 में है और भी कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन्स में है, तो क्या ये उसे बीट कर पाएगा या फिर नहीं? सो हम इसी वीडियो में फाइंड आउट करेंगे कि Realme X2 वर्सेस Realme 7 कैमरा कंपैरिजन। आप कह सकते हो कि Realme X2 काफ़ी ओल्ड हो चुका है, ऑफकोर्स ये बहुत ओल्ड हो चुका है, पर हम फाइंड करेंगे कि क्या एक जो लेटेस्ट कैमरा है, लेटेस्ट मॉड्यूल है, वो एक जो पुराना कैमरा हो चुका है GW1 सैमसंग का, उसे बीट कर पाएगा या फिर एवरेज रहेगा या फिर आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो हम काफ़ी डिपार्टमेंट में कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि कैमरा, फोटोग्राफी, नाइट फोटोग्राफी और वीडियो का। तो ऑफकोर्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए, तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे। सो एज यू कैन सी, जो शार्पनेस एज ऑन पॉइंट है, पर जो एक्सपोजर लेवल और जो स्टेबिलिटी है वो आपको X2 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रही है। इवन अगर आप पिक्चर को जूम करके देखते हो, जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे जूम करके, सो जो ओवरऑल डिटेल है इन एवरी एंगल, वो आपको X2 में ऑफकोर्स बेटर मिल रहा है। सो वीडियो डिपार्टमेंट में आपको X2 प्रेफर करना चाहिए, Realme 7 को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो आइए आते हैं कुछ फ़ोटोज़ पे। सो इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस कुछ मिलने वाला है नहीं, तो सेम सी पिक्चर है। सो फ्रेंड्स, इस फोटो में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर आप जूम करते हो लाइट पे, सो आपको डिटेल जो है वो X2 में ज़्यादा बेहतर मिल रही है, और Realme 7 का जो वाइट बैलेंस है वो काफ़ी बेहतर है, मुझे लगा काफ़ी नेचुरल सा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, एज एक्सपेक्टेड कि Realme X2 का जो लाइट बैलेंस, यानी कि लाइट में जो फ़ोटो निकालता है ये, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकाल पाता है कंपेयर टू Realme 7। 5x जूम में आपको Realme 7 में ज़्यादा डिटेल आपको मिलेगी। इस फोटो में जो शार्पनेस लेवल है और जो कलर टेम्परेचर काफ़ी सेम है, पर इस एरिया में आपको जो एक्सपोजर लेवल है वो आपको X2 में बेहतर देखने को मिलता है कंपेयर टू Realme 7। दोस्तों, इस शॉट में जो X2 है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इमेज ब्राइट भी है और जो कलर टेम्परेचर वो भी काफ़ी नेचुरल देखने को मिल रहा है। इस शॉट में फ्रेंड्स दोनों काफ़ी सेम सी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पर Realme 7 में जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है X2 के कंपैरिजन में। फ्रेंड्स, इस शॉट में भी आपको जो डिफरेंस है वो सेम ही देखने को मिल रही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा। दोस्तों, इस इमेज की जो शार्पनेस अगर आप चेक करो तो X2 ज़्यादा शार्प लग रहा है और ये हल्का सा नेचुरल भी लग रहा है X2 की इमेज, पर Realme 7 थोड़ा सा वाइट टोन की तरफ चला गया है। नेचुरल दोनों में से कोई भी नहीं दिया है, पर X2 ने थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश की है कलर टेम्परेचर को। इस शॉट में सब कुछ सेम है फ्रेंड्स, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो फ्रेंड्स, ये शॉट वाइड एंगल पर लिया है और जो आप लाइट्स देख सकते हो ट्री के ऊपर, वो येलो कलर की हैं, जो X2 मेंटेन कर पा रहा है थोड़ा सा, पर 7 का जो कलर टेम्परेचर वाइट की तरफ चला गया है। सो वाइड एंगल में आपको Realme X2 बेटर परफॉर्म देगा। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग पे फ्रंट कैमरा में। सो आपको EIS आपको Realme X2 में मिलता है, लेकिन इवन होने के बाद भी दोनों की वीडियो स्टेबल हैं, ऑफकोर्स S7 की उतनी नहीं है, पर पर्सनल अगर आप चूज़ करोगे तो आपको Realme 7 की ही पसंद आएगी, क्योंकि ये ब्राइट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और फेस पे जो लाइट आ रहा है दोस्तों, उससे इसने जो फेस को कलर दिया है ना, वो बाय गॉड वो सबको पसंद आएगा फ्रेंड्स। Realme 7 नेचुरल है यहाँ पर और स्टेबल भी है, सो डिपेंड करता है आप पे। सो फ्रेंड्स, फ्रंट कैमरा आपको सिमिलर सी देखने को मिल जाती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सो फ्रंट कैमरा डिपेंड करता है कि आपको कैसा कलर टेम्परेचर चाहिए आपके फेस पे, वैसा आप ले सकते हो, आपको जो पसंद आए वो आप चूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर कंक्लूजन पे आए, सो दोनों की कैमरा सिमिलर सी ही परफॉर्म कर रही थी, शार्पनेस और जो भी कलर टेम्परेचर है वो काफ़ी सिमिलर सी आपको देखने को मिली, पर अगर आपको एक ही परचेस करना हो तो आप Realme 7 इन फोटोग्राफी परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो फ़ोटोज़ आपको काफ़ी शार्प मिलते हैं और डिटेल्ड मिलते हैं। इवन X2 का भी काफ़ी शार्प है, पर लेटेस्ट सेंसर है Realme 7 में, जिससे आपको जो शार्पनेस मेंटेनेंस मिलती है वो आपको ज़्यादा बेहतर मिलती है। सो Realme 7 ऑफकोर्स अ बेटर चॉइस इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस। एंड अगर आप बात करो फुटेज, यानी कि वीडियो फुटेज पे, तो आपको फ्रंट और बैक दोनों में ही आपको EIS मिलता है Realme X2 में, जिससे उसकी वीडियोज़ काफ़ी स्टेबल रहती हैं। इवन अगर आप
एक्सपोजर चेक करोगे तो आप वीडियोस में चेक कर सकते हो कि जो एक्सपोजर मेंटेनेंस है और जो शार्पनेस है वो रियलमी एक्स टू की द वेब बेटर है कम्पेयर टू रियलमी सेवन। सो रियलमी एक्स टू की वीडियोग्राफी काफ़ी अच्छी है और रियलमी सेवन की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसी कलर टेम्परेचर, कैसा आपको आपका प्रियोरिटी क्या है, वीडियो या फिर फोटो। सो दोनों ही काफ़ी अच्छे प्राइस टू वैल्यू हैं और दोनों में ऐसा आपको मेजर डिफरेंस नहीं मिलता, एकदम तीर मारने वाला डिफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, आपको डिफरेंस है जो है बता चुका हूँ कि शार्पनेस आपको रियलमी 7 में ऑफकोर्स बेटर मिलेगी क्योंकि लेटेस्ट कैमरा है ये, और X2 है वो जो लाइट है, लाइट जहाँ पे रहती है वहाँ पे काफ़ी आपको स्टनिंग पिक्चर दे सकता है, काफ़ी मेंटेन पिक्चर दे सकता है X2 के लिए, पर रियलमी 7 में ऐसा नहीं है। क्या पता ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और अच्छा हो सके फ्यूचर में, पर जितना आपको अभी दिया है उतने आपको कैमरा रिजल्ट दिख रहा है। जैसे कि अगर आप एंड्रॉयड 11 आता है तो उससे हम एक और कैमरा कंपेयर करेंगे जिससे हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया सो लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए बाय।